जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और जो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला, उस लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बनना है तो उसको कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हम देखेंगे कि पब्लिक कंपनी को जब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना होगा तो फिर उनको क्या फॉलो करना है। वैसे अगर अभी तक के नॉलेज को हम थोड़ा सा अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करें तो हमें तो इतना पता चल ही चुका है कि जो सर प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको थोड़े से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी को ज़्यादा कॉम्प्लाइंसेज हैं, ज़्यादा लॉ को फॉलो करना होता है। इसीलिए हर कोई चाहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी बना के एक छोटा बिजनेस सेटअप करके अपना काम चलता रहे। लेकिन सर फिर पब्लिक कंपनी क्यों बनाते हैं, वो भी हमने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो डिफरेंसेस हमने पढ़े थे उससे ये पता लग जाता है कि सर पब्लिक कंपनी वाले जो हैं वो पैसा मंगवा सकते हैं पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, बट प्राइवेट कंपनी वाले ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए लोग पब्लिक कंपनी तभी फॉर्म करते हैं जब उनको लगता है कि एक लोगों से पैसों की ज़रूरत होगी। जो शेयर्स हम सुनते आ रहे हैं कि कोई शेयर्स खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा है, वो उन्हीं कंपनीज़ के होते हैं जो पब्लिक कंपनी होते हैं और जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होगी तो उसको क्या क्या करना होगा, और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट सेज अबाउट अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम विद टर्म्स ऑफ सेक्शन 61। दोस्तों मैंने अभी तक क्या बताया कि जो कंपनी की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। जैसे कि हम अपने संविधान की बात करते हैं कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हमें हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ऐसे ही कंपनी के क्या काम है, कंपनी के कितने मेंबर हैं, कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं, कंपनी का क्या काम करना है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी की सारी चीज़ें मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखी होती हैं। जैसे ही आप कन्वर्जन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात आएगी कि सर मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करो। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि भाई मेमोरेंडम में चेंज करो, शेयर कैपिटल को अल्टर करो, चेंज करो। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्ड अबाउट द चार्जेस चेंजेस इन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर दैट पर्पस प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद अपने मेंबर मेमोरेंडम में अल्टरेशन करो, चेंजेस करो, ताकि आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सको। सर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में जो लोगों का भी पैसा लगा हो सकता है। अब पब्लिक कंपनी भी दो तरीके के होते हैं, क्योंकि सारी पब्लिक कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती नहीं है जो अपने शेयर्स बेचे या फिर शेयर्स के बदले पैसे ले। अब और जो ऐसी कौन सी पब्लिक कंपनी होती हैं जो जिनके शेयर्स नहीं बिकते। पब्लिक कंपनी में एक होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो पब्लिक तो होती है बट लोगों से पैसे नहीं मंगवा सकती। अब देखते हैं सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज अबाउट द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। सर क्या क्या चेंजेस करें वो हमें इसमें पढ़ना है। स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या क्या करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, 14 एंड 18 ऑफ द एक्ट। आपको सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि सर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, नीड टू बी रीड विथ सेक्शन 41 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। कह रहे हैं कि 13, 14 और 18 जो तीन सेक्शन है उसके साथ साथ आपको सेक्शन 41 भी पढ़ना है। फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2018, रूल 41 डिफाइंस प्रोसीजर स्टेप्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। जो रूल 41 है वो दोस्तों, ये रूल की ज़रूरत कब होती है, क्यों नहीं एक्ट में ही सारी चीज़ें लिख देते हैं। जब एक्ट में ही अगर सारे रूल इनकॉर्पोरेट कर देंगे, डाल देंगे, तो एक्ट एक बहुत बड़ा दिखेगा और बहुत बड़ी मोटी किताब हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, जनरली रूल्स के लिए एक अलग बना देते हैं, रूल्स का एक अलग से अनेक्सर अटैच कर देते हैं, तो उस रूल को भी हमें देखना है।
अब सारी चीज़ें कंबाइंड होके, तीन सेक्शन, चार सेक्शन और रूल कंबाइंड होके हमें ये देखना है कि सर हमें करना क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है बोर्ड मीटिंग, मीटिंग हेल्ड फॉर कन्वर्जन डिसीजंस। एक मीटिंग बुलाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें आप बताइए कि आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं। द बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जिस मीटिंग में बैठ जाते हैं उनको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। उनसे अप्रूवल ले लीजिए कन्वर्जन प्रोसीजर के लिए, और द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी मेड। ये मिनट्स क्या है सर, मिनट्स क्या है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स मतलब वो सारे एजेंडा, किस किस टॉपिक पे आज की मीटिंग में डिस्कशन होने वाली है। जैसे मैं आपसे मिलता हूँ और हम दोनों बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं वही मिनट्स कहलाते हैं। लेकिन हम जब आपस में बैठ के बातें करते हैं तो उसकी तो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती नहीं है, बट कंपनी के केस में जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो वो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव, द कंपनी शैल ऑथोराइज एनी रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर कन्वर्जन प्रोसीजर। कंपनी किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकती है कि भैया तुम कंपनी के बिहाफ पे काम करो और कन्वर्जन प्रोसीजर को तुम पूरा करो। जनरली कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर लेते हैं, या कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका ये काम होता है कि ये सब जो कंप्लायंसेज है वो फॉलो करे। वन ट्रू कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ एनी प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द रीजनल डायरेक्टर। यही है ना, एनी प्रोफेशनल, एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कर देंगे कि भाई मैं इस प्रोफेशनल को हायर करके ये सारा काम करवाऊंगा इनसे। तो वो प्रोफेशनल कौन है, जनरली वो प्रोफेशन CS होते हैं। अगर आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है या लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आपको मज़ा आता है लॉ को सीखने में, तो आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का सिलेबस चेक कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी की कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है सारे कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करने के लिए, तो जनरली कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर लेती है कंपनीज। थर्ड है जनरल मीटिंग, एक सेकेंड, थर्ड है जनरल मीटिंग। डिसीजन ऑन कन्वर्जन ऑफ द कंपनी शैल टेक प्लेस इन जनरल मीटिंग। जो डिसीजन है कन्वर्जन का वो मीटिंग में ले लिया जाएगा। कुछ एरर आ रहा है रिकॉर्डिंग में, कोई इशू नहीं। जनरल मीटिंग, डिसीजन ऑन कन्वर्जन ऑफ द कंपनी शैल टेक प्लेस इन जनरल मीटिंग। जो कन्वर्जन का जो डिसीजन है वो जनरल मीटिंग में ले लिया जाएगा। फोर्थ है ई फॉर्म, द नेसेसरी ई फॉर्म शुड बी फाइल्ड रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कंपनी। सही है, फॉर्म, ई फॉर्म क्या होता है, मतलब आप कुछ भी काम करने जाते हैं, इवन आपको आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, तो आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही कंपनी को अगर कुछ करना होता है तो उनको भी अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके। तो बट ये ई फॉर्म क्या है सर, जो आप ऑनलाइन किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप कर देते हैं ना, उसको ई फॉर्म बोला जाता है। तो ये ई फॉर्म जो भी है वो करना होगा, कन्वर्जन से रिगार्डिंग जितने भी ई फॉर्म होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंपॉर्टेंट टू फाइल सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेट फाइलिंग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे अगर कन्वर्जन करना है तो। एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन कैसे दे, द नेसेसरी एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन शैल बी ड्राफ्टेड एंड सबमिटेड बिफोर द रीजनल डायरेक्टर एंड द एप्लीकेशन हैज़ टू फाइल विद इन 60 days आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन। जिस मीटिंग में जिस आपने रिजोल्यूशन पास कर लिया कि आज हम डिसीजन ले रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में बनाने जा रहे हैं, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन दे दीजिए रीजनल डायरेक्टर को। पूरे तरीके से ये थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरे तरीके से, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन एज मेंशन्ड इन द रूल 41 नीड टू बी सबमिटेड बिफोर रीजनल डायरेक्टर विद द एप्लीकेशन। पर्टिकुलर्स विच मेंशन्ड इन रूल 41(2) शैल नीड टू बी सब, जो भी रूल 41(2) में जो लिखे हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जो जो चाहिए डिक्लेरेशन, वो आप सबमिट कर दो। सिक्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स नीड टू बी अनेक्स्ड विद द एप्लीकेशन। ड्यू अमाउंट क्लेम, लाइबिलिटीज, अनसर्टेन डेब्ट्स डिटेल रिक्वायर्ड। आप के कितने क्रेडिटर्स हैं,
कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपने लोन लिया है और बदले में उनको डिबेंचर दिया है, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लीजिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम माल उधार पे खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उन सारे लोगों का लिस्ट बना लीजिए। डिबेंचर वो होते हैं, डिबेंचर होल्डर, जिससे आपने पैसा ले लिया और उनको एक पेपर दे दिया कि भैया ये लो, उस पेपर पर सारा लिखा होता है मैंने आपसे इतना पैसा लिया, मैं आपको इतना ब्याज दूंगा, वो एक डिबेंचर है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और ये भी बताइए, फॉर्म नंबर INC 25A, एक फॉर्म नंबर है INC 25A, वो आपको कंपनी के लिए फाइल करना पड़ेगा, बस आप इतना ही याद रखिए। फिर 8th है ऑर्डर अप्रूवल। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो क्या होगा, इफ़ नो ऑर्डर ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन और रीसबमिशन हैज़ बिन पास्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर शैल कंडक्ट हियरिंग विद इन 30 डेज अपॉन द रिसिप्ट ऑफ दिस सेड ऑब्जेक्शन। मतलब आपको 30 दिन के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल आ जाएगी। कन्वर्जन शैल नॉट पास इफ देर इज एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी एंड कन्वर्जन ऑर्डर हैज टू फाइल इन फॉर्म नंबर INC 28 विद इन 50 डेज अपॉन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। कन्वर्जन पास नहीं होगा तब तक नहीं होगा अगर कोई केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल है। मतलब अगर कोई केस कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है तो उसको उस 15 दिन के अंदर अंदर क्लोज करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर आ गया कि रिजेक्शन का आ गया तो उसको क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर सब कुछ ठीक है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी कन्वर्जन की अप्रूवल। इस तरीके से हमने ये देखा कि सर किस तरीके से पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उनको ये 8 स्टेप्स पूरे करने हैं। बोर्ड मीटिंग करनी है, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देना, CS को अपॉइंट कर देंगे, जनरल मीटिंग कर लेंगे, फॉर्म जो भी है ई फॉर्म फाइल कर देंगे, एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे रिजोल्यूशन के 60 दिन के अंदर अंदर, क्रेडिटर के लिस्ट, डिबेंचर्स होल्डर के लिस्ट, अनेक्सर सब बना के दे देंगे, फॉर्म नंबर INC 25A कंपनी के लिए फाइल कर देंगे और अप्रूवल मिल जाएगा हमें, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई केस पेंडिंग है और अप्रूवल में अगर रिजेक्शन आ गया तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्लोज करवा लो। सर अब हम देखने जा रहे हैं स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनी क्या है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटी कंपनी है, तो सर छोटी कंपनी तो वैसे भी हम प्राइवेट कंपनी को छोटी कंपनी ही बोलते हैं, तो अब ये स्मॉल कंपनी क्या है? बिल्कुल सही, ये छोटी ही कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ही जैसी होती है, बट कुछ चीज़ें अलग हैं वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 285, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। सर अदर देन पब्लिक कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल देख लेते हैं। इसका मतलब स्मॉल कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी तो होती ही नहीं है, इतना तो पहले क्लियर कर लिया। फिर इसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता इन ऐसी कंपनीज का, और अगर कुछ और भी लॉ में लिखा हो गया है तो भी 10 करोड़ से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। मतलब पिछले साल में ऐसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, और अगर कुछ और भी इसके लिए रिगार्डिंग लॉ है, कुछ और भी अगर बताया गया है, तो 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। मतलब इन जनरल अगर बात करें तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर पिछले साल में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना, अगर कुछ स्पेशली इनके लिए अगर लॉ बनेगा प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं, इन जनरल 50 लाख और 2 करोड़ देखना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड टू, जो भी सेक्शन में लिखी गई हैं वो सब कहाँ कहाँ किन किन सेक्शन में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो इस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर पब्लिक कंपनी के लिए कुछ लिखा हुआ है तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के लिए इस पे एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 उनके लिए इसके लिए जो भी उसमें लिखा गया वो इस स्मॉल कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की जा रही है, जैसे RBI, CAG ये सब, इनके लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब दे दिया गया कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स कर रहे हैं, वो सब टर्नओवर में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सर स्मॉल कंपनी के साइलेंट फीचर्स ऑफ दी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी तो सर पहली बात तो हमें ये पता लग गया है
कि ये पब्लिक कंपनी नहीं होती, इसका मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। यस, पहला पॉइंट ही प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी, सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही क्लासिफाई हो सकती है स्मॉल कंपनी की तरह। सेकेंड, टाइप्स ऑफ द कंपनीज, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड और मैंशनड एज ए स्मॉल कंपनी। मतलब कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी है, कोई स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी गवर्न की जा रही है, RBI, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उन सब में, तो ये सब स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। LIC स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी जो स्पेशल एक्ट में चलाए जाते हैं। फिर थर्ड देख लेते हैं, स्टेटस ऑफ द कंपनी, द स्टेटस ऑफ कंपनी में चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, जो स्टेटस है कंपनी का वो एक साल से दूसरे साल में चेंज हो सकता है। मतलब किसी ईयर में अगर वो स्मॉल कंपनी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी वो स्मॉल कंपनी होगी, क्यों, क्योंकि हो सकता है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से तो वैसे ही वो बाहर हो जाएगी। इसीलिए वो बताया, यहाँ लिखा गया कि स्टेटस जो है कंपनी का वो साल, हर एक साल में बदलता रहेगा। दस, द बेनिफिट विच आर अवेलेबल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर में स्टैंड विदड्रॉन फॉर नेक्स्ट ईयर एंड बिकम अवेलेबल अगेन इन सब्सिक्वेंट। इसीलिए जो भी बेनिफिट स्मॉल कंपनीज को दिए जा रहे हैं वो विड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर कर ले तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर किसी साल में अगर आप स्मॉल कंपनी कैटेगरी में फॉल कर जाते हो तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इन केस ऑफ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बिजनेस, व्हेन देयर इज ग्रेजुअल ग्रोथ इन बिजनेस, इफ कंपनी क्रॉस एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड प्रोवाइडेड, इधर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, देन द कंपनी हैव टू गिव इट्स स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी एंड ऑल द बेनिफिट ग्रांटेड फॉर सच कंपनीज। अगर आप कंपनी की ग्रोथ हो रही है और पेड ऑफ शेयर कैपिटल क्रॉस हो जाता है 50 लाख से ज़्यादा, या फिर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर देते हो, तो ये सारे के सारे राइट्स आपके चले जाएंगे, फिर आप स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज नहीं हो सकते। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एज ए स्मॉल कंपनी, वो क्या क्राइटेरिया है प्रीवियसली फॉर क्वालिफाइंग एज ए स्मॉल कंपनी, इट्स इनफ टू फुलफिल वन क्राइटेरिया विच इज मेंशन इन डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन में दिया गया उसमें अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो तो आप स्मॉल कंपनी बन जाएंगे। तो सर ये डेफिनेशन में क्या दिया गया, वही चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है डेफिनेशन में, पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर, इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया है आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। ये थी इनके फीचर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्पेशल प्रोविजन एंड एग्जेम्पशन फॉर स्मॉल कंपनी। स्पेशल प्रोविजन क्या है, एग्जेम्पशन क्या है स्मॉल कंपनी के लिए, बट इस टॉपिक को दोस्तों हम करेंगे कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैं यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट सिलेबस कराने जा रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।